दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू डू मेडिटेशन एंड व्हाई टू डू मेडिटेशन। तो ये एक मेडिटेशन स्टूडेंट है और मैं ये दिखाने जा रही हूँ कि मेडिटेशन को कैसे करना चाहिए। तो आप एक स्थान ढूंढ लेंगे जो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स हैं, एक कमरा है, शांत वातावरण है और ये एक आसन है जो चूज़ किया गया है, जो बिल्कुल ही थोड़ा सा जो है बिल्कुल सॉलिड है और ये शांत बैठी हुई हैं। तो अब शुरू करते हैं मेडिटेशन। तो ज्ञान मुद्रा बनाइए, इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। रिलैक्स्ड स्टेट में इससे माइंड काम डाउन हो जाता है, सर ऊपर की तरफ और अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखते हैं। तो व्हाई डू मेडिटेशन एंड हाउ टू डू मेडिटेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। तो अपनी आँखें बंद कर लें, आपका जो आसपास का माहौल है वो बिल्कुल रिलैक्सिंग होना चाहिए और आँखें बंद, क्योंकि जब आँखें बंद करते हैं तो आपका संपर्क दुनिया से टूट जाता है। तो आपने देखा बिल्कुल शांत चेहरा हो गया है। जब आप आँख बंद करते हैं, थॉट्स आते हैं तो थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है, विचार आएंगे और जाएंगे, पर अब आपको ध्यान देना है सांसों पे। तो दो तीन गहरी सांसें लें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट, गहरी सांसें ले रही हैं और सांस छोड़ रही हैं बाहर। तो जब हम गहरी सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो उससे माइंड जो है आपका स्थिर स्थित प्रज्ञ होने लगता है, वो शांत होने लगता है। मन का भागना, विचारों का भागना जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि विचार ही हैं जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं और हमारे दिमाग को हिला देते हैं। तो आप सर को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है और धीरे धीरे कुछ गहरी सांसें लें और अपना ध्यान लगाएं सांसों पे। फिर नॉर्मल सांस लेते रहें और हर आपका ध्यान विचारों में ना खो के अपनी सांसों पे है। ये विपस्सना ध्यान भी इसको कहते हैं, ये सबसे इजी होता है। और हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो विचार हैं, जो कोलाहल है, जो शोर है, जो दुनिया का शोर है, जो अपने मन का शोर है, वो हमारे ऊपर अटैक करता है, वो हमें विचलित करता है। डर, भय, आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो जब हम बाहर की दुनिया में होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी जाती है, हमारी ऊर्जा कम होती है। तो कोई भी काम करने से पहले घर से बाहर निकलते हैं तो 10 मिनट का मेडिटेशन करें, सांसों पर ध्यान दें और फिर निकलें, तो आपका पूरा दिन चित प्रसन्न रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। सुबह के टाइम करें, रात को सोते वक्त करें, सोने से पहले अगर आप करते हैं तो सारी नेगेटिविटी, पूरे दिन की थकान, पूरे दिन की नेगेटिव थॉट्स निकल जाती हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। केवल सांसों पर ध्यान देने से आपका फोकस अपने ध्यान अपने उस पर होता है। तो इसको आप करें, इसको अपने रोज़ करना है और रोज़ करते करते अपनी लाइफ को बदलना है। ध्यान करने से जीवन बदलता है।